बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आगे आप नहीं आइकॉन बेल नहीं दबाया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, ताकि मेरा ये प्रोग्राम आपको बिला रोक टोक बिला तखीर आपके पास सीधा आ जाए और ये ना आपको ढूंढना पड़े और आप या आप भूल जाएं तो मिस ना हो जाए प्रोग्राम, क्योंकि इस ये हफ़्ता बहुत ही अच्छा है, कामयाबी का है बेहतरीन। और कैप्रिकॉर्न वैसे भी सैटर्न इस वक्त आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दूसरे घर में बैठा हुआ है। स्टार्ट आपका यहाँ पे कैप्रिकॉर्न 11वें घर से हो रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपके 5वें घर से मून सन निकल के आपके 6ठे घर में आ गया हुआ है कैप्रिकॉर्न के साथ 21 तारीख को। तो जब आगे आते हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक टेंशन एंजाइटी एक प्रॉब्लम, वो जो एक हीट थी पूरा मई का महीना, वो एक नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न स्टार्ट हम 11वें घर से करते हैं। 11वें का लॉर्ड 30वें घर में है, बहन भाइयों का अमल दखल रहेगा आपकी ज़िंदगी में और उनके तालीम और सफ़र पे आप खर्च करते हुए नज़र आते हैं, बोझ उठाते नज़र आते हैं और उनको उनकी फ़ीसें बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और कोई ना कोई बहन भाइयों की तरफ से जो बाहर हैं पढ़ने गए हुए या बैन अल-अक़वामी कामयाबी में, उनको ख़बर अच्छी मिल जाएगी और आपका आप ख़ुद भी कोई ठिकाना तब्दील करते हुए नज़र आएँगे, या आपके बहन भाई और दूसरे मिलकर आपको भी बाहर भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस किस्म का एक आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 11वें घर में मून केतु के साथ स्कॉर्पियो में। वैसे तो अगर देखा जाए केतु और मून का कम्बिनेशन जो होता है मून स्कॉर्पियो में बड़ा नेगेटिव होता है, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे इसका मीडिएटर 30वें घर में 5वीं नज़र से इस घर को देख रहा है, और जब 5वीं नज़र से कोई सियारा अपने घर को देखे किसी दूसरे घर में बैठ के, तो उसका वो घर पॉजिटिव हो जाता है। लिहाजा यहाँ पे आपको एडवांटेजेस ही मिलते नज़र आते हैं, और आपको पता है 11वां घर होप्स का, आपके विशेज का है, तो कोई ना कोई गैर मुल्की सफ़र का है, तो कोई ना कोई फ़ायदा आपको पहुँच जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे 3-4 किस्म के फेजेस आपके बनेंगे। एक तो आप सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े से जज्बाती होंगे, दूसरा मुनाफ़कत में थोड़ा सा घिरने की कोशिश करेंगे, कुछ दिखाएंगे कुछ मारेंगे कभी, ये भी चांस बन सकता है। चौथा बदला लेना, वो भी आपके अंदर होगा, साजिश करना, तो ये चीज़ों से अपने परहेज करना, क्योंकि वैसे वो पॉजिटिवनेस है दिमाग में, ख्याल तो ज़रूर आएंगे बट आप यू विल एबल टू कंट्रोल। तो तीसरा घर आपकी वैसे यहाँ पे बहुत एक्टिव होकर काम करते नज़र आ रहे हैं बहुत, और फॉरेन ट्रैवलिंग भी आप करेंगे तो बहुत ही संजीदगी से, थोड़े से ऐसे फेज एंजॉय नहीं करेंगे लेकिन फिर भी फॉरेन ट्रैवलिंग करके अपने रिजल्ट निकाल देंगे। स्पेकुलेशन कुछ ज़्यादा जरूर से ज़्यादा तेज़ होगी, शक करने की आदत होगी, यहाँ पर आप अपने आप को खुद ही तंग करते हुए नज़र आ जाएँ। ट्रेड में आपको बहुत फ़ायदा होगा, कोई बीमारी से जान छूटे कि वो लोग जो किडनी के उसके शुगर के मरीज़ हैं, ये वो तो अपनी सेहत को थोड़ा सा दवाइयाँ अपनी सोच समझ के, यहाँ बदप्रेजी नहीं करनी। यहाँ पे आपने अपनी वाइफ का बहुत ख्याल करना, अगर इफ़ यू आर मेल तो योर वाइफ को प्रॉब्लम आ सकता है, और वो ये दिन दो दिन वो शी कैन प्ले अ वाइटल रोल एज अ की रोल इन योर लाइफ, सो आपने उसकी तरफ तोचो दे के उसका फ़ायदा उठाना। लेफ़्ट आर्म में दबाव आ सकता है, आपके लेफ़्ट एयर में कोई चीज़ आप डाल के काम ख़राब कर सकते हैं। आगे चलते हैं कैप्रिकॉर्न 17, 18, 12वें घर में आपका मून है, और इसका मीडिएटर 12वें का मीडिएटर 4थे घर में बैठा है, और जुपिटर है, वीनस है, डबल ट्राइन है, सत्ता ही खैर है, कोई 12वें घर का डर खौफ निकाल दें तो यहाँ पे आपको एडवांटेज ही एडवांटेजेस हैं। तो 12वें का लॉर्ड उठा 4थे में गया, बट एक चीज़ यहाँ पे आपको होगा, अपनी मर्ज़ी बहुत करेंगे, अपनी मर्ज़ी अपनी फैमिली पे थोपेंगे, आप चाहेंगे कि मैं जो काम मेरी मर्ज़ी मेरे हस्बे मंशा चलना चाहिए, ये आप यहाँ पे आप अपने आप को यहाँ पे वक्ती तौर पे ख़राब कर सकते हैं, चाहे फैमिली कबूल करे ना करे, लेकिन आपका कहाँ कहते हैं ना, मेरा कहाँ उठे ही है, मेरा कहाँ चिट्टा ही है, तो वो ही रहेगा। आपके
दूसरी शादी के भी चांसेस बन सकेंगे इन केस इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड सेकंड मैरिज एंड आपने अपनी फैमिली से छुपाई हुई है तो यू विल ओपन इट एंड इजीली दिस मैरिज विल बी क्या कहते हैं सक्सेसफुली इमर्ज इन योर फैमिली और वो मोहब्बत की शादी फैमिली का हिस्सा बन सकती है। तो ये इस किस्म के आपके 12वां घर, तो 12वां घर आपके एक्सपेंडिचर आएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, कोई लॉसेस नहीं होंगे, कोशिश होगी तो वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, आपको डिवाइन नॉलेज में आपका रहेगा, सेक्सुअल इन्जॉयमेंट की तरफ आपकी एक्टिविटीज़ जाएंगी लेकिन आप रुक जाएंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं जाएंगे, हिडन अफेयर्स में भी नहीं घुसेंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होती नज़र आ रही है आपकी, ये बहुत आपका कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई बाहर का सफ़र, कोई नेशनलिटी की इतला मिल जाएगी, किसी किस्म का फियर ऑफ एनिमीज़ नहीं होगा, प्रोफेशन में आपको बहुत और मिल जाएगा, 12वां घर आपको प्रोफेशन का भी घर है तो आपको बहुत मिल जाएगा, कोई अगर केस बना हुआ है, कोई जेल में है या कोई लीगल एक्टिविटीज़ है या कोई थाना कचहरी, वो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, वॉन्डरिंग पोजिशन नहीं होगी, आपके अंदर एक ख्वाहिश होगी कि क्यों ना मैं बाहर जाके सेटल हो, अगर इन केस ऑलरेडी यू आर इन द हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर इन केस यू आर ऑलरेडी इन जेल, जेल से निकल आएंगे, मिस फॉर्चून ख़त्म हो जाएंगे, सक्सेस थ्रू ऑकुलर सेंसेस, ये मेरा प्रोग्राम सुनने में आपकी दिलचस्पी रहेगी। अब आगे चलते हैं 19 एंड 20, मून आपके असेंडेंट में और पहले का लॉर्ड उठा दूसरे घर में चला गया, तो पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बचपन के वाक़यात याद करेंगे, अपनी इब्तदाई तलीम को याद करेंगे, आप याददाश्त आपकी अपने बच्चों को अपने दोस्तों को अपने बचपन के वाक्य सुनाते हुए नज़र आते हैं, आप अपनी छोटी छोटी उम्र के गुजरे हुए हालात वाक़यात को सुनाएंगे, बच्चे या दूसरे कहेंगे यार सारा आप इतने एज होगी 30-40 साल पहले के वाक़यात आपको तो ऐसे याद है क्योंकि दिमाग में इंट्यूशन होगी और यहाँ पे पैसे कमाने की भी ख्वाहिश आपके जमा होगी क्योंकि आप चाहेंगे कि बैंक बैलेंस मेरा होना चाहिए, कोई ना कोई आप ज़रिया ढूंढेंगे, कोई ना कोई फ़ायदा उठाने करेंगे, बेशक वो जायज़ हो नाजायज़ हो, आपने नाजायज़ पैसा कमाने के भी तोक्कुल नहीं होगा, आप कहेंगे बस पैसा आ जाएगा, आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ना कीजिएगा, कोई पैसा लेके कैश लेके आपने सफ़र नहीं करना, रास्ते में चोरी हो सकता है या कोई हादसे की वजह से वो कहीं गिर सकता है, तो इसलिए ये थोड़ी सी रिपरकशंस हैं जो आपको ख्याल करना होगा। प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, पहला घर है, सोच अपने ज़ात पे काम करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही एक कहते हैं ना पॉजिटिव जेन के मालिक होंगे, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक उठान आपके अंदर होगा, एक फ़ायदा होगा आपके अपनी ज़ात पे, कोई पता नहीं आप बाल कटवाने चले जाए, मेडिक्योर पेडिक्योर फेशियल वगैरह, कोई लेज़र सर्जरी, कोई लेज़र, ये अपने कपड़े खरीदने, अपने यहाँ पे कोई नई गाड़ी खरीदने के चक्कर में, तो ये इस किस्म के आपका होगा। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बैठ वो कार्ड ख़त्म हो गया था तो मैं समझता रहा कि रिकॉर्डिंग हो रही, लेकिन जब मैंने बाद में चेक किया तो मैं वहाँ से आपको 7 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई थी, बाकी रह गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग कराता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि आप ये जो आपका 19 और 20 पहले का लॉट उठा दूसरे घर में गया, तो इसके बारे में मैंने बात की थी कि आप पैसा कमाने की हिरस आपके साथ, बैंक में पैसा डालने की कोशिश करेंगे, याददाश्त आपकी बहुत चेंज होगी और अपने दोस्तों को बच्चों को अपने बचपन के वाक्य सुनाएंगे और आगे से जवाब मिलेगा कि बाबा आपको इतना आपकी याददाश्त दो यार तेरी बड़ी याददाश्त है, बड़े बचपन के वाक्य थे, और फिर चुप ही नहीं करेंगे, बोल ही जाएंगे। दौलत जमा करने की एक हवस आपके अंदर आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊँगा, तो ये इस किस्म के आपके फेजेस आपको तंग करते रहेंगे और फिर पैसा जायज़ कमा के बैंक में रखने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करना ये पैसों को, ये यहाँ से लेकर ट्रैवलिंग नहीं करनी, ये ना हो कि ये पैसे कहीं आपके रास्ते में खो ना जाए। तो दूसरा घर आप ससुराल वालों की तरफ से भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा, बहुत ही आप कह लें कि यहाँ पे संजीदा होके अपने काम अपनी ज़ात के काम करते हुए
पेडिक्योर मेडिक्योर कोई इस किस्म के काम में भी आप घुसेंगे। लैंग्वेज आपकी बहुत संजीदा होगी, स्पीच बहुत संजीदा होगी, चेहरा बड़ा संजीदा होगा, पैसे आपके जो होंगे ना वो आप अपनी ज़ात को कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी आपके आएंगे, वर्बल एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा होगा, ईटिंग हैबिट्स, कोई कढ़ाई गोश्त खाने के लिए किसी दूसरे शहर में भी चक्कर लगे, कोई होटल भी करते नज़र आ रहे हैं। ठंडे दिमाग होगा उस दिन आपका, प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे और बहुत ही एटीट्यूड, सोच, एप्टीट्यूड, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेचर, ये बहुत ही कमाल का होगा। संजीदगी के साथ आप होंगे, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत होगा और गुस्सा भी नहीं आएगा, सेल्फिशनेस भी होगी, बस ज़िद पे अड़ने के चांसेस हैं और वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा। सुस्ती की बोरी बनेंगे, शक करने की आदत होगी, आज का काम कल पे छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा आपने प्रेज करना होगा। तो आगे चलते हैं 21st 22nd, यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में, तो सैटर्न वहाँ बैठा और साथ मून बैठा, तो पैसे ज़रूर आएंगे, पैसे आते हुए नज़र आते हैं। जैसे अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो फसल की तरफ से, रियल स्टेट का है तो रियल स्टेट की तरफ से, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है तो कंस्ट्रक्शन की तरफ से, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है तो ट्रांसपोर्टेशन में आपके पैसे आपको आते हुए नज़र आते हैं और खूब यहाँ पे आप अपने आप को यहाँ पे आप सेट करते हुए अपने आप को नज़र आते हैं। जब भी दूसरे का लॉट दूसरे घर में होता है ना तो किस्मत की देवी आप पे मेहरबान होगी, आपको आप अपने खूबसूरत आने होने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा दौलत जमा करने की ख्वाहिश होगी, खुश खुराक होंगे, फितरतन अकाउंट भरना आपको अच्छा लगेगा, मौज मस्ती भी रहेगी और अगर पैसे ज़्यादा आ गए तो कुछ उसमें भी घुसने की कोशिश करेंगे। तो ससुराल की सेहत भी बहुत अच्छी होगी, डिले होंगे चीज़ें, कोई काम आते आते रुक जाएगा, ट्रैफिक में फंस जाएगा, अफ्रेड ऑफ फेलियर, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। क्योंकि जब भी मून सैटर्न के साथ आता है तो डिले होता है, रुक जाता है, ऐसे लगता है जैसे कोई काम किसी ने रुकावट डाल दी, शक करने की आदत होगी, ऐसे मूड स्विंग ख़राब होगा, अपने आप को डिप्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे, बट सेंसिटिव होंगे, क्रिएटिव माइंड होगा, सुस्ती की बोरी होंगी, आज का काम कल पे छोड़ेंगे। ओवरऑल ये हफ्ता आपको बहुत कुछ दे देगा। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।